हेलो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विद फोकस में। और हम लोगों ने अभी एक यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब आज हम लोग उस पर कुछ उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग समान कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम्स में वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो सामान्य प्रश्न होंगे। कुछ सामान्य प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब जैसे इसमें अगर हमको यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसमें हमको कुछ करना नहीं होता है। बस हमको क्या करना है कि जितने भी संख्याएं लिखी हुई हैं उनके यूनिट डिजिट का हम लोग क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अगर 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 है इसको 3, यहाँ पे 9 है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 6 है, यहाँ पे 6 लिख देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 3 जा 9 हो जाएगा, 9 जा 81 हो जाएगा, इसमें से हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा, 1 इंटू 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद 6 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 42 लिखा है ये क्या है, इसमें यूनिट प्लेस पर क्या है, 2 है, यानी आपका जो आंसर होगा यूनिट डिजिट तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम्स में आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए। इसमें हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या, कोई जिसे मान लीजिए इसमें अगर कोई है 155 मल्टीप्लाई बाई 23, 1 इंटू 3267 मल्टीप्लाई विथ 189 इंटू 37। अब यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं वो सभी क्या हैं, विषम संख्या हैं, यानी ऑड नंबर हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक 5 दिया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पे नोट में एक चीज़ ये लिख लीजिए, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है और उसके साथ कोई भी विषम संख्या को मल्टीप्लाई करने पर वह हमेशा यूनिट डिजिट 5 देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ये यूनिट डिजिट है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और 5 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 के साथ अगर हमको अगर किसी भी विषम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमेशा यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा। अभी ऐसे यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करें, 5 1 जा 5 5 7 जा 35 35 आ गया, फिर यहाँ से 5 लेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 45, फिर 45 में से 5 लेंगे, 5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये कि आप ये लिख लीजिए, और अगर फाइव किसी इवन नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई है तो हमेशा यूनिट डिजिट जो आएगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, उसके बाद
32 लिखा हुआ है, 65 लिखा है, 73 लिखा है एंड 76 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब 0 को अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। तो आप ये दो रूल जो हैं 5 के लिए ये आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या है, अगर हमको उसको अब हम लोग कुछ इसमें क्वेश्चन करेंगे जो फैक्टोरियल वाले होते हैं, फैक्टोरियल वाले हैं, जैसे कि अगर 1 फैक्टोरियल है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। 2 फैक्टोरियल है अगर तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल अगर दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1 = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 × 3 × 2 × 1 = कितना हो जाएगा आपका, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 24, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है 1, 2, 6, 4, ये सभी क्या है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल के अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट, ये सब अलग अलग आ जाएंगे। लेकिन अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात करें, 5 फैक्टोरियल को अगर हम लिखते हैं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = आपका यहाँ पे देखेंगे कि आपका 5 आ गया मल्टीप्लाई में। और अगर अभी हमने आपको बताया है कि 5 के साथ अगर किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, कोई भी इवन नंबर अगर है उसको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखते चले जाएँ 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 है। अब चूंकि यहाँ पे हम 5 फैक्टोरियल यहाँ पर भी आ गया, अब हमको पता है कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 0 की होगी यूनिट डिजिट की। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम कोई भी बड़ी सी संख्या, अभी मान लीजिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे 251 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन को इसमें पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट पूछे अगर तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि अगर 4 फैक्टोरियल के बाद अगर कोई किसी भी संख्या में फैक्टोरियल लगा है और उसमें अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछता है तो आप ये जान लीजिए कि इसमें 5 फैक्टोरियल भी आएगा, और 5 फैक्टोरियल अगर आएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि अगर हम 251 को अगर यहाँ से अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे 251 फैक्टोरियल को, तो इसमें 251 × 250, अब इसमें देखा जाए तो इसमें 5 का भी मल्टीप्लीकेशन है, और अगर हम इसको ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे तो कहने का मतलब है यहाँ पे 250 भी आ गया है। अब यहाँ पे यानी इसका मतलब हो गया है कि इसमें 5 भी है और इसमें 2 भी है, तो इसका हमेशा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे। और मान लीजिए कोई यहाँ पे अगर संख्या दी हुई है 34 फैक्टोरियल और उसके ऊपर मान लीजिए ये कोई संख्या दी हुई है घातांक के रूप में अगर लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे,
यहाँ पे 34 फैक्टोरियल है। अब हमको पता है कि 4 फैक्टोरियल में जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट क्या आता है इसमें, 6 आ जाता है, सॉरी 4 फैक्टोरियल है तो इसमें 4 3 जा 12 इंटू 2 जा 24 1 जा 24 यानी 24 आया। तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे अगर इसके पावर दी हुई है, ये इतनी बड़ी संख्या पावर में दी हुई है, तो हमको पता है कि अगर 4 के ऊपर 19875 दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम ये देखते हैं, अगर 4 है तो हमको क्या करना है, इस पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा इस घातांक घात को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा 38 हो जाएगा, उसके बाद 9 बार जाएगा यहाँ पे 36, यहाँ पे 27 बचा, यहाँ पे फिर 4 6 जा जाएगा 24, उसके बाद 3 बचेगा, उसके बाद हम फिर 8 बार ले जाएंगे, यानी इसकी जो पावर आएगी 4 की पावर हम इसको 3 लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। अगर आप ये जान लीजिए, अगर 4 है या आपके पास कोई 5 है, सॉरी 4 और 9 है, इसकी अगर इवन पावर है तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा, और अगर 4 के ऊपर 8 पावर होगी तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर इवन, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 8 है तो यहाँ पे अगर क्या हो जाएगी संख्या, जो यूनिट डिजिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 5 है, यानी ये उसके जो घातांक है तो क्या है, उस पर 8 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और अगर इवन होगा 4 के ऊपर पावर तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम 9 को देखें, 9 के ऊपर अगर 8 दिया हुआ है, 8 पावर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। जैसे कि 9 की पावर अगर हम 1 देखें तो यहाँ पे 9 आता है, 9 की पावर 3 कर देंगे तो भी यूनिट डिजिट 9 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 729 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 9 के ऊपर अगर इवन पावर रखते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1। तो अगर हम लोग इसको याद कर ले तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसको अब इसको अलग से लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। हेलो, तो हम लोग अब आगे का क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे अगर हमको देखना है, अगर यहाँ पे आपके यूनिट डिजिट जो है वो 4 है, तो अभी मैंने बताया था आपको कि अगर 4 के पावर कोई इवन पावर होगी तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे जो डिजिट दी हुई है, जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, इवन है, इसलिए यहाँ पे जो इसका यूनिट डिजिट होगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही 231 है, अगर इसकी पावर अगर मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है, इसलिए 1 की पावर अगर कोई भी है, कोई भी संख्या होगी, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, तो उसका जो हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा 1 होगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये दिया हुआ है 81 82 83, का यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें पता है यहाँ पे एक ये इवन नंबर है और इसमें यहाँ पे आगे 85 आया जाएगा, जिसका यूनिट प्लेस क्या है, 5 है।
तो इस सीरीज की अगर हम बात करें तो इस सीरीज का जो यूनिट प्लेस है वो क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इवेंट नंबर दिया हुआ है, ये भी है इवेंट, ये भी है इवेंट, और यहाँ पे फाइव है। हाँ, तो ये अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, थ्री लिखा हुआ है यूनिट डिजिट। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 6930 जो पावर दिया हुआ है, ये देखा जाए तो अगर हम लोग इसे फोर से डिवाइड करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ की लास्ट जो टू डिजिट है वो क्या है, फोर से डिविजिबल है, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आ जाएगा। तो अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो हमें उसकी पावर में क्या लिखना पड़ेगा जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर थ्री है यूनिट डिजिट, अब इसके ऊपर अगर हमको रिमाइंडर जो बचा है, रिमाइंडर है जीरो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, फोर लिख देंगे। अगर रिमाइंडर जीरो, अगर पावर को हम अगर फोर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर आपका जीरो बचे तो वहाँ पर उसकी पावर हमको फोर दिखाना पड़ेगा। इसलिए अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 81। यानी ये जो आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, वन क्या हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई पावर है और अगर वो पूर्णतया चार से डिविजिबल हो जाए और अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो आपको क्या करना होगा, उसकी पावर को फोर लिखकर तब उसको हम आगे यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि 50 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं के गुणन फल के का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 50 के बाद कौन कितनी विषम, सॉरी कितने, हाँ विषम संख्या आती हैं, तो यहाँ पे 51 मल्टीप्लाई विद 53 मल्टीप्लाई विद 55 इंटू यहाँ पे 99। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 50 से लेकर 100 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर कोई विषम संख्या है तो यानी वो हमेशा दो से डिविजिबल नहीं होगा, यानी इसमें दो का मल्टीपल नहीं होगा। और हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, चाहे वो जितनी बड़ी भी सीरीज हो, अगर उसमें एक में फाइव आ गया यूनिट डिजिट और उसमें कोई भी अगर सम संख्या नहीं है तो आप ये मान के चलेंगे, हमेशा ये जानिएगा कि जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमेशा फाइव आएगी। तो इसकी यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा फाइव के इक्वल होगी, क्योंकि अगर हम फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 को वन से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ 15 आ गया, फिर 15 को अगर हम 9 से भी मल्टीप्लाई करें तो 135 आएगा, यानी इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये भी है, ऐसे इसको आप लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर इसमें पूछ ले कि 1 से लेकर सभी, सॉरी 100 तक के सभी सम संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखते हैं 1 से लेकर 100 तक की, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 8 डॉट 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 100। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सभी क्या हैं, इवन नंबर है, यानी यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4, 6, 8 100 अगर कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको पहले से ही पता है कि अगर जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, उसका वो भी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी अगर हम इसके यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट को जब मल्टीप्लाई करोगे किसी भी से, यहाँ पे जीरो है यूनिट डिजिट, अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा, मतलब जितनी भी संख्याएँ होंगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, हमें जीरो होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, ये सभी आपके लेखपाल में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जैसे आपके पूछ लेगा इसका यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि अगर 50 का फैक्टोरियल अगर हम निकालते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि इसमें 5 का भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें एक इवन नंबर भी होगा। ऐसे ही 30 है, अगर 30 फैक्टोरियल, इसमें भी जीरो, ये भी जीरो, सब में प्लस लगा हुआ है इसलिए प्लस लगाते चलेंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पर 40 फैक्टोरियल है, अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल में भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, मान लीजिए ये 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट आता है वो कितना आ जाता है, 4 आएगा, और 1 फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट होता है, अभी हमने आपको बताया था 1 होगा, इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो दोनों का 4+1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, यही आपका आंसर होगा। तो आपका बेसिक क्वेश्चन, मतलब बेसिक जो मैंने बताया है उसी से क्वेश्चन को बहुत सारे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे फैक्टोरियल में आपको सम निकालने को दे देगा या आपसे पूछ लेगा कि 100 से लेके 500 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे बहुत सारे संख्याओं पर क्वेश्चन बनाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लेखपाल आगामी एग्जाम जो होंगे, लेखपाल है या ग्राम पंचायत अधिकारी है, NTPC CBT2 है, इन सभी में यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोगों आप लोगों को यूनिट डिजिट का क्वेश्चन करा दिया है, काफ़ी इतने ही आएंगे क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को सेसफल प्रमेय पढ़ाएंगे, इसलिए आपका धन्यवाद।